हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हर्षदीप को हियर। दिस इज़ योर मैथ क्लास फॉर थर्ड स्टैंडर्ड। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट ए। ओके, चेंज टू 24 आवर क्लॉक टाइम। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट बी। ओके, पार्ट बी ऑफ एक्सरसाइज 11D। ओके, एक्सरसाइज 11D पार्ट बी, चेंज टू 12 आवर्स क्लॉक। ठीक है, कि आपको जो टाइम है वो 24 आवर्स में दिया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 24 आवर्स का मीनिंग होता है कि फोर डिजिट्स में दिया हुआ है टाइम, फोर डिजिट में 13, 14, 22 ऐसे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उस 24 आवर्स टाइम को 12 आवर्स क्लॉक में चेंज करना है। ठीक है, सो बिल्कुल मेथड जो है वो ए पार्ट से उल्टा है, रिवर्स कर देना है मेथड को बस हमने। तो बी पार्ट है, सो वीडियो को एंड तक देखना है सभी ने। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द बी पार्ट प्लीज़ वॉच द वीडियो अप टू द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द बी पार्ट, चेंज टू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, लेट करो कि जो आपको टाइम है वो गिवन है 0315 आवर्स। 0315 आवर्स, तो ये टाइम किस में गिवन है, 24 आवर क्लॉक में ये टाइम गिवन है। इसको हमने चेंज करना है 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है। ठीक है, 0315 आवर्स। तो जैसे हमने पहले भी किया था कि अगर तो 1 से लेके 11 तक काउंटिंग है, क्या है, 1 से लेके 11 तक है, तो उसमें हमने 12 को ऐड नहीं किया था। अगर हम 12 को ऐड नहीं कर रहे थे तो उसका मीनिंग क्या था, एम, कि अगर आपके पास जो फर्स्ट टू डिजिट नंबर्स हैं वो 1 से लेके 12 तक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 up to so on 12 तक डिजिट्स हैं फर्स्ट टू, तो उसका मीनिंग आएगा am। उसमें ना तो हमने 12 ऐड करने हैं ना ही 12 माइनस करने हैं। तो फर्स्ट टू डिजिट्स कितने हैं, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, तो ये क्या है, 03, इट में 3 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, 3 ऐसे ही। ठीक है, 2 डॉट लगा दो, 15 पीछे लिखा है तो 15 मैंने एज इट इज लिख दिया, तो इसमें मैंने ऐड प्लस कुछ भी नहीं किया है, तो ये क्या आएगा, am। तो ये आपके पास क्या हो गया, 12 आवर क्लॉक टाइम हो गया 3:15 am, कि 3 आवर्स का मीनिंग है 3:15 am, कि मॉर्निंग के सुबह के 3:15 am जो है वो हो चुके हैं। ठीक है जी, तो अगर यही सेम सम, ठीक है, होता 15:15 आवर्स, अब 15:15 आवर्स है, 15:15, आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं बेटा, अभी फर्स्ट टू डिजिट्स जो हैं वो वाले, ये वाले, ये क्या हैं, 15 है, तो 15 12 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें हमने क्या करना है, 12 को माइनस करना है। क्या करना है, 12 को माइनस, तो 15 लिखे हुए हैं बेटा, फिर फर्स्ट टू डिजिट नंबर जे वाले फर्स्ट टू 15 लिखा है, इस 15 में से 12 को बेटा माइनस कर दो, 5 - 2 - 3 - 1 - 1 - 0, तो 15 - 12 कितना हो गया, 3, तो इस 15 का मीनिंग आएगा 3, 2 डॉट लास्ट में क्या लिखा है, 15 एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3:15, ठीक है, 12 माइनस किए हैं तो यहाँ पे आएगा pm। ठीक है, कि अगर आपके पास फर्स्ट टू डिजिट नंबर जो है वो 12 से बड़े हैं, ठीक है, तो 12 क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, pm। कि अगर तो ये है तो उसमें आपने क्या किया, 12 को क्या किया बेटा, माइनस करना है। ठीक है, अगर डिजिट 12 से ज़्यादा बड़े हैं, 13, 14, 15 है,
अगर 03 12 से छोटे नंबर हैं, 12 से छोटे नंबर हैं तो 12 को माइनस आपने नहीं करना है, 12 से बड़े जा रहे हैं तो 12 को माइनस क्या आपने करना है। तो ये थी आपके पास टू एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। तो फर्स्ट सम बेटा जी करते हैं, फर्स्ट सम है हमारे पास 0420 आवर्स। तो इसमें देखो फर्स्ट टू डिजिट कौन से हैं, 0404 तो 12 से छोटा ही है, तो क्या आएगा 4 2 डॉट, लास्ट में लिखा है 20, जहाँ पे मैं सेम एज इट इज 20 लिख देती हूँ, और क्या लिखूँगी मैं साथ में अभी am, शाबाश, क्या लिखूँगी am, क्योंकि मैंने 12 को माइनस नहीं किया है, ठीक है। सेकंड सम करते हैं 0025 आवर्स, ठीक है। अब 00 का मीनिंग क्या था, रात के 12 बज गए हैं, ठीक है, ठीक है, 12 मिडनाइट हुआ है, तो 12 मिडनाइट है 00, तो उसमें हमने क्या करना है, 00 में अगर आप तो इसमें हम क्या करेंगे, 00 12 में से 0 माइनस किया तो क्या आ गया 12, तो 00 का मीनिंग हो गया 12 2.25, इसमें क्या आएगा am। जैसे हमने जी बुक में भी पढ़ा था ना कि 00 का मीनिंग क्या था, 00 का मीनिंग मिडनाइट, मिडनाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं am, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है जहाँ पे am, 12:25 am, ठीक है। थर्ड सम करेंगे अभी 2200 आवर्स, ठीक है, 22 अगेन 12 से बड़ा है, 22 में से 12 माइनस कर दो, क्या आएगा बेटा 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 10, तो 22 का मीनिंग क्या हो गया 10, 2.00 है, अगेन यहाँ पे अभी 12 माइनस किया तो क्या आएगा यहाँ पे pm, ठीक है बेटा जी। तो 22 आवर्स का मीनिंग हो गया 10 pm, ओके बेटा। तो जी आपका थर्ड सम हो गया, अभी सेम हम फोर्थ सम करते हैं, फोर्थ सम करते हैं, फोर्थ सम है हमारा 0300 आवर्स। सेम बेटा 03 है तो ना तो 12 प्लस करना है ना माइनस, 03 का 3 00 साथ में am। फिफ्थ सम करते हैं 12:36 आवर्स, ठीक है। तो 12 का सिंगल 12 ऐसे ही, 36 ऐसे ही, ठीक है, तो साथ में क्या लिखना है 12:36 noon, इसका मीनिंग होता है तो ये बन गया 12:36, इट मीन की आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे हैं, तो हमने क्या से लिखना है इसके साथ pm, 12:36 pm आ गया, ठीक है बेटा। सेम एज हम करेंगे अभी सिक्सम हमारे पास है 0620 आवर्स, ठीक है, 06 का सिंपल 6, 20 साथ में am, ठीक है। सेवन सम है बेटा 2100 आवर्स, 21 है तो 21 हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नाइन, 21 का मीनिंग हो गया 9:00 pm, साथ में क्या आएगा pm आएगा। तो सेम एज बेटा आपने 8 से लेके 10 तक जो सम है वो कंप्लीट करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो बेटा जी आपने पूरे सम कंप्लीट करने हैं 12 तक, ये वाले सेम मेथड है, इसमें हमने 12 क्या करना है माइनस, अगर आप 12 माइनस कर रहे हो तो pm आएगा, ठीक है, 12 माइनस नहीं कर रहे हो तो am आएगा। कि 12 आर क्लॉक करने के लिए आपने 12 क्या करने हैं माइनस, 24 आर ऐड करने के लिए 12 प्लस कर देने हैं, ओके। सो होप सो कि सभी को जो समझ आया है बी पार्ट, सो आपने ए एंड बी पार्ट जो है वो कॉपीज पे कंप्लीट करना है, और एग्ज़ाम में इन डिजिट्स से अलावा न्यू डिजिट्स भी आ सकते हैं, सो प्रैक्टिस वेल फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।